हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा MCQ बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल के एग्जाम के रिलेटेड। और इस सेशन में हमारे जो है अभी तक हमारे कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं जिनमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाईवे इंजीनियरिंग और सर्वेइंग शामिल है। और 4 सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो था इरीगेशन इंजीनियरिंग, और इरीगेशन इंजीनियरिंग अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम भी की डेट भी आ चुकी है आपकी, तो इसीलिए दो दो सेशन दिन में रखते हैं ताकि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर पाएँ। तो आज से हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉइल मैकेनिक्स, और उस दूसरे सेशन में हमारा इरीगेशन इंजीनियरिंग कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, If the soil sample is having porosity 50% and degree of saturation at 90%, then percentage air void is. देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, जब भी आपको कोई भी मैरिकल मिलता है, तो इसमें एक बेसिक रूल होता है, गोल्डन रूल मैं उसको कहता हूँ, कि आपने नोट डाउन करना होता है जो भी आपको गिवन होता है वहाँ से डाटा, उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उस नोट डाउन करने से क्या होता है कि आपको आइडिया आ जाता है कि मुझे कौन सी फॉर्मूला पुट करनी है और कौन सी फॉर्मूला मुझे बेहतर हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है पोरोसिटी, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पोरोसिटी इज गिवन एज 50%। ठीक है, 50% यानी कि 0.50। नेक्स्ट यहाँ पर इसने दिया है हमें, क्या दिया है नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस यानी कि 90%। देन इट इज परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, वो हमें बताना है कि वो कितना होता है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर जो एन ए परसेंटेज एयर वॉइड होता है, इसकी दो फार्मूला मुझे याद, एक तो मुझे याद है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन फार्मूला, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये एक फार्मूला हो गई इसकी। और साथ ही साथ मैंने दूसरी भी फार्मूला भी याद की थी, सॉरी, वो क्या होती है, वो होती है इट्स इक्वलेंट टू परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वलेंट टू एन, यानी कि पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगा के मुझे आंसर निकालना है, जो बेसिक दो फॉर्मूला मुझे याद है, या तो ये वाली फॉर्मूला निकाल के निकालूंगा। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला पे जाता, इस वाली पे जाता, यहाँ पर मुझे वी भी निकालना होगा, ठीक है, वी भी निकालना होगा। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज जो है मुझे डिटरमाइन करनी है। अब मैं इस पे ज़रा देखूँ, यहाँ पर मुझे एन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो मैं यही को इस वाली को प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे एक ही क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, एक मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो मैं ये वाले प्रेफर करूँगा। ठीक है, फाइन। तो अब ये जो मुझे ए सी निकालना है, ये मैंने कहाँ से निकालना है, इनमें से कहीं से निकालना है। ठीक है, तो देखिए, एस जो है 90% गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस, ये किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, ये मुझे गिवन है कि ये कितना है आपके पास, 90%, यानी कि 0.90। ठीक है, लेकिन एक और फार्मूला मैंने याद रखी थी कि एक तो एस प्लस ए सी, इन दोनों का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, जब आपने सॉइल पढ़ा होगा या किससे पढ़ा होगा, तो उसने आपको इस फार्मूला पे बहुत स्ट्रेस दिया होगा कि ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत मुश्किल में से बचाती है। ठीक है, यानी कि अगर मेरा एस जो है 0.9 है, तो मेरा ए सी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूँ कि मेरा ए सी आ जाएगा 0.10। ठीक है, जब मेरा ए सी आ गया इस फॉर्मूला में, एन मुझे पता है, तो मेरा क्या एन ए निकल जाएगा, एन ए क्या आ जाएगा फिर, मेरा एन इंटू ए सी, एन इज गिवन है 0.50 इंटू ए सी इज 0.10। ठीक है, इन दोनों का जब मैं इंटू कर दूंगा तो वो कितना आएगा, 0.1, यहाँ ये आ गया 0.05। ठीक है, 0.05 को मैं परसेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 5%। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, ऐसे आपने अप्रोच बनानी है, ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैकमेंट इज, सबसे बोल रहा है फास्टेस्ट मेथड कौन सा है अगर आपने वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालना है तो ये वाला मेथड भी हम यूज़ करते हैं, सैंड बाद भी करते हैं, अल्कोहल भी करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड भी करते हैं। ठीक है, अब लेकिन सिर्फ बताया क्या है कि
क्विक डिटर्मिनेशन, मुझे सबसे फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो मुझे बताइए कि मैं कौन से मेथड पे जाऊँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सबसे फास्ट अगर आपको चाहिए ना, तो सबसे फास्ट में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या, एक गैस रिलीज होती है, वो भी कभी कभी ये पूछ लेता है, तो वो होती है एसिटाइडीन गैस। ठीक है, उसके बेस पे हम कैलिब्रेशन चार्ट्स को मैच करते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है कि कितना वाटर कंटेंट है। और एक बात याद रखना, ये इतना सुपर फास्ट है कि विद इन 5 मिनट्स आपका ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इतना फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पूछा गया है हमसे कि हमें बताइए टफनेस इंडेक्स जो है ये किन का रेशियो होता है, किन दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो टफनेस इंडेक्स मुझे पता है ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, नहीं ऐसा नहीं है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो दूसरों को देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग, द सॉइल इज सेड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ऑलमोस्ट ये जो कंसिस्टेंसी लिमिट है या अटरबर्ग लिमिट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें प्लास्टिसिटी दी गई है मीडियम मीडियम वाली। ठीक है, तो हमें बता दीजिए कि इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ता है, यानी कि यहाँ से मैं लिख लूँगा आई पी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और यहाँ से लिख लूँगा कि कौन से टाइप की सॉइल है। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए अभी तक। नंबर वन इज आईपी अगर मेरा जीरो है, नेक्स्ट इज अगर मेरा ये जीरो से लेकर सेवन तक है। ठीक है, यानी कि लेस देन सेवन, वन टू सेवन लिख लेते हैं, वन टू सेवन है। थर्ड वन इज अगर आपका ये सेवन टू सेवनटीन है, और फोर्थ वन इज अगर ये ग्रेटर देन सेवनटीन है। अगर ये जीरो है तो हमारे पास क्या आता है, नॉन प्लास्टिक। ठीक है, अगर ये वन टू सेवन या लेस देन सेवन भी लिख लेते हैं हम इसको, अगर ये लेस देन सेवन है तो हमारे पास आ जाएगा ये लो प्लास्टिक, अगर ये सेवन टू सेवनटीन है तो ये आता है हमारे पास मीडियम प्लास्टिक, अगर ये ग्रेटर देन सेवनटीन है तो हाईली प्लास्टिक। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से पूछा क्या गया है, हमें मीडियम प्लास्टिसिटी बताइए, मीडियम प्लास्टिक किस पे आती है, सेवन से सेवनटीन तक। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 65, प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ 30, श्रिंकेज लिमिट ऑफ दिस एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज, कुछ क्वांटिटीज दी गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें गोल्डन रूल क्या होता है, कि आपने डाटा लिख लेना होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप डाटा क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, फर्स्ट वन, लिक्विड लिमिट जो है इट्स गिवन एज 65%। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी लिमिट, इट्स गिवन एज 30%। फोर्थ वन इज श्रिंकेज लिमिट, इट्स गिवन एज 25%। एंड हैज द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 45%। ठीक, मॉइस्चर कंटेंट हमें दिया गया है 45%, डब्ल्यू एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं। तो हमें बता दीजिए कि लिक्विडिटी इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स हम आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बता दीजिए कि ये कितना होगा। देखिए, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी इंडेक्स को क्या होता है, तो उसके बाद ही हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स और दो इंडेक्सेज होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स और एक होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, ये दो होते हैं, और इनमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को बहुत बार हो जाता है आपस में मिसमैच हो जाते हैं कि कौन सा क्या था। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आपने अपने कंसेप्ट को पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे आप काम कीजिए, आपको इन ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं पता अभी तक आपने कैसे किया था ये वाला या कैसे याद रखा होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आप इनको कैसे याद रखोगे या क्या बेसिक कंसेप्ट है उनका। यहाँ पर क्या बेसिक कंसेप्ट है इनका, देखिए यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बना लूँ, वाटर कंटेंट यहाँ से और वॉल्यूम यहाँ से, फाइन, तीन होते हैं हमारे पास, नंबर वन यहाँ पर, नंबर टू यहाँ पर, नंबर थ्री यहाँ पर। ठीक है,
ये वाला जो है यहाँ पर होता है श्रिंकेज लिमिट, इतना आपको पता है। उसके बाद आता है प्लास्टिक लिमिट और उसके बाद आता है लिक्विड लिमिट। ये तीन तो आपको पता है, ठीक है, कि ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ये तीन रेंज आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या है मुझे मुझे निकालना क्या है कि हमें बता दीजिए आई एल क्या होता है और आई सी क्या होता है, यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स किस से स्टार्ट होता है, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स किस से रिजेंबल करता है। लिक्विडिटी इंडेक्स देखो सबसे पहले ये दोनों जो है ना, ये लिक्विडिटी इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये यहाँ पर लाई करते हैं इस वाले रीजन में, ठीक है, ये इस वाले रीजन में लाई करते हैं ये दोनों, ठीक है। एक आएगा लिक्विडिटी इंडेक्स यहाँ से कितनी दूरी पर है या यहाँ से कितनी दूरी पर है, इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि इस रेंज में लाई करेगा। देखिए अगर आपको लिक्विडिटी इंडेक्स अब याद करना है तो क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए लिक्विड लिमिट से या प्लास्टिक लिमिट से, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं कहता हूँ कि लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो लिक्विड लिमिट से स्टार्ट नहीं होगा। लिक्विड लिमिट आपस में क्या होते हैं, मतलब याद रखने के लिए, सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करते हैं, तो हम सेम चार्जेस देंगे ही नहीं। तो लिक्विडिटी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो प्लास्टिसिटी सॉरी प्लास्टिक लिमिट से स्टार्ट होगा। तो ये वाला यहाँ पर जो आएगा, ये आएगा मेरे पास लिक्विडिटी इंडेक्स, फाइन। तो दूसरा जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वो मैंने कहा इसी रेंज पर लाई करेगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये अब मेरे पास बन गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो आपने लिक्विड से स्टार्ट नहीं करना है, वो प्लास्टिक लिमिट से स्टार्ट करना है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स उसका अपोजिट, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये एक सेकंड, इसको क्या हो गया, फाइन। अब जो है लिक्विडिटी इंडेक्स मुझे यहां पर निकालना है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, दोनों जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो या लिक्विडिटी इंडेक्स, उनके डिनोमिनेटर में जो आता है वो आता है मेरे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, तो यहां पर कंफ्यूजन होगा नहीं। तो अब मुझे यहां से न्यूमरेटर में देखना है कि क्या होता है। देखिए मैं यहां से चलूंगा, मैं यहां से अगर स्टार्ट करूंगा तो मुझे कहां तक जाना है, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहां से जब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कलर चेंज कर लूं, मुझे यहां से स्टार्ट करना है और पहुंचना कहां तक है मुझे, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो यहां पर पहुंचा, तो मैं क्या कितना डिस्टेंस में चला, ये डब्ल्यू, यानी कि मैं डब्ल्यू चला, ठीक है, वाटर कंटेंट जितना भी था वो मैं चला, तो यहां पर मैं लिखूंगा डब्ल्यू नेचुरल, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या है, माइनस कितना करना है मुझे, प्लास्टिक लिमिट यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इतना अगर मैं माइनस कर लूं तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी मेरी, वही तो मैंने कहा था कि ये यहां से कितनी दूरी पर ये है लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, वही होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो यहां पर डब्ल्यू नेचुरल में से माइनस कर दूंगा कितना, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। सिर्फ मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए, इतनी डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहां से यहां तक चला गया और उसके बाद इतना वाला माइनस किया, ठीक है। तो ये दोनों आ गए, तो अब मुझे बता दीजिए डब्ल्यू नेचुरल कितना है हमारे पास, डब्ल्यू नेचुरल जो है वो 45% है, माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है मेरे पास, वो 30% है, और आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो कितना होता है, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट यहां पर दिया है, प्लास्टिक लिमिट यहां पर दिया है, 65 माइनस 30, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 15 अपान में 65 में से 30 में माइनस कर दूंगा, तो 35, ठीक है। इतना 5 3 15, 5 7 35, ये आ गया मेरे पास 3/7, ठीक है। अब 3/7 क्या होता है, 3/7 क्या होता है, 3/7 अगर मैं बात करूं, 1/7 की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, वो होती है 14.28, इंटू में 3 कर दूंगा तो वो कितना आ जाएगा, इसको समझाया आपको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिखा 1/7 इंटू 3, बाकी कुछ नहीं, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28 इंटू 3, 3 इंटू 14 कितना आया, 42 42, और इसके 28.28 इंटू 3, तो ऑलमोस्ट एक मान लीजिए 42 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0.43, ठीक है। मतलब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने जैसे किया होगा, लेकिन मैं ये वाली डेसिमल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि 3 इंटू 14.28 को कैसे आप करेंगे, ठीक है, 3/7 को कैसे करेंगे, तो आपके लिए आपको याद होना चाहिए, वैसे आप इंजीनियर्स हो तो आपको याद होना चाहिए,
1 बाई टू की वैल्यू 0.50, ठीक है, यहाँ पर अलग से मैं लिख दूँ, 1 बाई टू की परसेंटेज में वैल्यू, 1 बाई थ्री की, 1 बाई फोर की, इतना तो सबको याद है, इसका 0.33, इसका 0.25, 1 बाई फाइव का भी सबको पता है, 1 बाई सिक्स का आप याद रखिए, 1 बाई सेवन का याद रखिए, 1 बाई, मतलब यहाँ पर नहीं, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये सब वैल्यूज, ठीक है, एटलीस्ट अप टू 10 आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ल्ड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.9, इट्स पोरोसिटी शेल बी। अगर हमारे पास वर्ल्ड रेशियो दी गई है कितनी 0.9, तो हमें बता दीजिए कि पोरोसिटी कितनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला है हमारे पास, एन इज इक्वलेंट टू ई अपान 1+ई, बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपने बहुत बार याद किया होगी। तो ये हो गया 0.09 डिवाइड बाई 1+0.9, तो ये आ गया हमारे पास 0.9 डिवाइड बाई 1.9। देखो 0.9 और 0.9 कितने हुए 1.8, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 या 2.2, ठीक है। अगर ये 1 बाई 2 ही आता ना, मेरे पास वैल्यू कितनी आती 0.5, ठीक है, लेकिन ये 2 से बड़ा है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 से थोड़ी बहुत नीचे, ठीक है, थोड़ी बहुत नीचे, वो थोड़ी बहुत नीचे कौन सी है यहाँ पर 0.4, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए सॉइल हैज़ परसेंटेज ईयर वाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%। ये पहले ही चैप्टर से मैंने आज ये सारे क्वेश्चन आपको रखे हैं, इसलिए मत बोलना कि ये कहाँ गए, सिर्फ इसी के क्यों कह रहा है आपने। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, गोल्डन रूल, यानी कि डाटा लिखना, उससे आपको बहुत आसानी होगी। देखिए क्या है लिखा है, परसेंटेज ईयर वाइड इज, यानी कि एन ए इज गिवन कितना 30%। नेक्स्ट इज एंड हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 0.4, देन द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल शेल बी फाइन। तो इन दोनों में जो पहले ही हमने पहले क्वेश्चन में हमने रिलेशन लिखी वो क्या लिखी थी हमने, एन ए इज इक्वलेंट टू एन इन टू ए सी, ठीक है। यहाँ पर निकालना क्या है, ए सी निकालना है हमने, यानी कि ए सी जो होगा वो होगा एन ए अपान एन, ठीक है। तो एन ए कितना है हमारे पास 30, यानी कि 30 मतलब 0.3, ठीक है, परसेंट को वैसे कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.4, ठीक है। 3/4 क्या होता है, 3/4 क्या होता है 0.75, ठीक है। 3/4 अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 75%, ठीक है। तो ये आ गया 3/4 कितना 0.75, ठीक है। इसका मेन एम यही था, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में फंसाना चाहता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, इनका रेशो बोला गया है कि हमें ये इनका रेशो बताइए क्या होता है। नंबर वन इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान में फ्लो इंडेक्स, तो ये क्या दिखाता है हमारे पास, टफनेस, टफनेस का इंडेक्स हमें इससे मिलता है, ठीक है। ये दिखाता है कि कितनी टफ है, अगर क्या बोलते हैं इसको, इम्पैक्ट लोड या सडन लोड पड़ते हैं तो वहाँ पर उससे क्या होता है, ठीक है, वो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए सॉइल विद प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। अगर किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये वाला देखिए चार्ट में बनाया था कहीं पर, फाइन। अगर यहाँ पर जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है, पहला ही वाला ये 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्लास्टिक। तो यहाँ पर आएगा आंसर नॉन प्लास्टिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज दिस एंड जी इज दिस, देन फाइंड द सैचुरेशन ऑफ सॉइल या डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए अगर मैं ऐसा देखूंगा तो मैं कंफ्यूज ही हो जाऊंगा कि क्या है इसमें, लेकिन मैंने कहा आपको कि जब भी ऐसे सॉइल के ये वाले फॉर्मूला आपको मिलते हैं या न्यूमेरिकल मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, डाटा लिख लीजिए। डाटा से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सी वाली फॉर्मूला पुटअप करनी है। यहाँ पर वाटर कॉन्टेंट दिया गया है 0.188 एंड जी इज गिवन एज 2.68, तो हमें बता दीजिए एस में क्या वैल्यू आई, ठीक है, एस की क्या वैल्यू रही। तो यहाँ पर ई डब्ल्यू जी एस, ठीक है, ई डब्ल्यू जी एस, इसमें कौन सी फॉर्मूला होती है, डब्ल्यू इज इक्वलेंट टू ई एस अपान जी, ठीक है, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला, लेकिन निकालना क्या है एस, तो यहाँ से मैं एस निकाल लूँगा। अब कैसे याद रखा होगा कुछ, तो इसको सहवाग भी बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको बना लेते हैं एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, सहवाग लिख लेते हैं एस ई एच डब्ल्यू ए के, ठीक है, शॉर्ट में सहवाग, तो इसे भी याद रखिए। तो जैसे आप, तो यहाँ से एस हम निकाल लेते हैं,
तो एस क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू जी अपान ई। फाइन, तो ये डब्ल्यू कितना आ गया, 0.188 इंटू में जी, जी कितना आया 2.68 अपान में ई, ई कितना है हमारे पास 0.67। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो ये आ गया 67 इंटू, ये कर देंगे हम कितना, डबल ट्रिपल थ्री, 3 × 2 हो गया 6, ऑलमोस्ट 60, और इसका ठीक है ये मतलब ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आएगा यहाँ से, 3 × 2 हो गया 6, 3 × 7 = 21, तो ये आ गया ऑलमोस्ट मेरे पास क्या 75%। ठीक है, ऑलमोस्ट हाँ इतना ही आएगा, क्योंकि इसके नज़दीक कोई और वैल्यू है नहीं तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ले ला पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो दूसरा सेशन आज रहेगा वो रहेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग का, कंटिन्यू ही, और मैंने आज से सॉइल का स्टार्ट किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टेंट अच्छा ही लगा होगा आज का भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।